सेना अध्यक्ष और पुतिन से क्यों नाखुश है? यूक्रेन में लड़ रहे रूसी सेना के जवान। पुतिन ने क्यों सेना के जवानों को जेल में किया कैद? रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 10 महीने होने वाले हैं। इसी संघर्ष के बीच एक मीडिया रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में युद्ध पर जाने से इनकार करने पर रूस ने अपने ही सैनिकों को जेल में बंद कर दिया है और उनके साथ मारपीट भी की है। रूसी सैनिकों और उनके परिवारों ने तैयारियों में कमी को लेकर शिकायत की, लेकिन सैनिकों को उनके उद्देश्य के बारे में कम जानकारी के साथ ही आगे बढ़ने का आदेश दिया जा रहा है। दो रूसी सैनिकों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि उनमें से एक ने रूसी जवान को मौत के मुंह में धकेलने से इनकार कर दिया था। एक सैनिक ने बताया कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया तो उसने अग्रिम मोर्चे के सैनिकों को कम समर्थन मिलने की वजह से लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसे और अन्य सैनिकों को जेल में बंद कर दिया गया था। एक अन्य सैन्य अधिकारी ने बताया कि जब उसने युद्ध के लिए मोर्चा संभालने से इनकार कर दिया तो उसे और चार अन्य सैन्य अधिकारियों को एक इमारत के तहखाने में कैद कर दिया गया था। तब रूसी सेना ने उसकी मां को जानकारी दी थी कि विशेष इमारत पर की गई गोलीबारी के बाद सभी लापता हैं, जबकि उन्हें कैद किया गया था। यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे रूस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे रूसी सेना के अधिकारी अपने ही सेना प्रमुख और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से खुश नहीं है। रूसी नेशनलिस्ट ब्लॉगर और पूर्व FSB अधिकारी इगोर गिरकिन ने यह दावा किया है। गिरकिन ने दावा किया है कि यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूसी सेना के अधिकारियों का कहना है कि युद्ध का एग्जीक्यूशन बहुत खराब है। इगोर गिरकिन एक पूर्व संघीय सुरक्षा सेवा अधिकारी हैं, जिन्होंने 2014 में रूस को क्रीमिया के मामले में मदद की और फिर पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थक मिलिशिया को संगठित किया। गिरकिन ने ही कहा है कि मिलिट्री अधिकारियों और पुतिन के बीच कुछ असंतोष था। 90 मिनट के एक वीडियो में गिरकिन ने कहा कि मछली का सिर पूरी तरह से सड़ा हुआ है और रूसी सेना को सुधार और सक्षम लोगों की आवश्यकता है जो कि एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व कर सके। इगोर गिरकिन ने युद्ध के मैदान में रूस की हालत को लेकर रक्षा मंत्री सर्गेई की बार बार आलोचना की है, जबकि व्लादिमीर पुतिन की सीधे सार्वजनिक आलोचना बहुत कम देखने को मिलती है। हालांकि राष्ट्रवादी ब्लॉगर्स युद्ध के संचालन के बारे में मुखर रहे हैं, विशेष रूप से सितंबर में यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र में जो हुआ उसे लेकर आलोचना सामने आई थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के बखमूत शहर को नष्ट कर दिया है। इस बीच यूक्रेनी सेना ने भी शनिवार को बताया कि रूस ने देश के उन कई हिस्सों में मिसाइल, रॉकेट और हवाई हमले किए जिन्हें वो महीनों से जारी प्रतिरोध के बीच जीतने का प्रयास कर रहा है। 9.5 महीने से जारी इस युद्ध में रूस का ध्यान अब यूक्रेन के उन चार प्रांतों पर केंद्रित हो गया है जिन पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सितंबर में कब्जा करने का दावा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।